रघु अंकल चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं नहीं बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा तुम बहुत बदतमीज हो, कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता, स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000-20,000 रुपए तनख्वाह होती है। यहाँ देखो मजाक मजाक में मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं, जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल मालूम है मुझे 55 साल पहले पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हो। स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं सटायर, लेकिन जेल में दो टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें बताया स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं? हाँ तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है मालूम है, टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसे पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही कर लेते हैं। ये लो बेटा दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी, 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की थी लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम आप कौन? मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज ये देखो अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट बीवी, अर्जेंट बीवी। सर मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, एक घंटा पहले उसने मना किया, तू कैसे आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा दूध पी लो, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। अरे यार ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मान ली मैं इतना दूध पिलाने के पीछे पड़े रहती, एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई। तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा, इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं, कैसी हिम्मत कैसी मिल जालो मारने की? ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ ये बात तो सही है, ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है, अगर संजीव बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू। बोले तो ए साहब जी मामू, ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं बोले तो इधर लगा है, बाय 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 बाय। मिमिक्री पूरी हो गई? हाँ। पिछले 10 साल से मिमिक्री कर रहे हो, क्या हुआ उससे? उससे अच्छा तुम ट्रक के नीचे आ जाते, कम से कम उसी बहाने पेपर में तुम्हारी तस्वीर तो छपती। थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आज तक का ये बेस्ट एक्ट देखा है मैंने। अरे थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आई शुड से थैंक यू सो मच।